हर लव स्टोरी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन और एक विलन। पर ये लव स्टोरी एक विलन की है। यू टेल मी, तुम्हारे लिए सुकून क्या है? टू लिव लाइफ फ्रॉम वन हाई टू अनदर। की एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने माना बॉलीवुड का अपना दूसरा घर। एक आउटसाइडर हो कभी तारा ने फिल्म इंडस्ट्री को आखिर क्यों अभी से अपना मान लिया और क्यों हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जॉन की वजह से फिल्म की दूसरी कड़ी से जुड़ने के लिए मना कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गरिमा अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, बहुत ही जल्द एक बार फिर डायरेक्टर मोहित सूरी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म लेकर लौटने वाले हैं। बहुत समय से रोमांटिक फिल्में डायरेक्ट कर रहे मोहित सूरी अब जल्द ही एक विलन 2 लेकर थ्रिलर फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। लेकिन क्या फिल्म के सीक्वल की वजह से काफ़ी प्रेशर में है डायरेक्टर मोहित सूरी? दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि मोहित सूरी किसी फिल्म का सीक्वल बना रही हो। इससे पहले भी उन्होंने फिल्म आशिकी 2, मर्डर और राजू जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। जहां फिल्म राज सुपरहिट थी, वहीं राज 2 को असिट रिस्पॉन्स से काम चलाना पड़ा। पर इतना ही नहीं, आशिकी 2 के समय पर भी फिल्म को लेकर काफ़ी सवाल उठे। फिल्म के हीरो राहुल रॉय खुश नहीं थे फिल्म आशिकी 2 बनाए जाने से। उनके हिसाब से फिल्म की सफलता को देखते हुए फिल्म की दूसरी कड़ी बनना ओरिजिनल फिल्म के साथ नाइंसाफी थी। शायद इसलिए एक विलन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल को लेकर प्रेशर में दिखाई दिए मोहित सूरी। दोस्तों, फिल्म एक विलन 2 में पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेना चाहते थे मोहित सूरी, लेकिन फिल्म में जॉन के दमदार किरदार की वजह से सिद्धार्थ ने अपने कदम पीछे खींच लिए। फिल्म एक विलन में भी सिद्धार्थ से ज़्यादा चर्चा रितेश की एक्टिंग की गई, इसलिए वही गलती वे नहीं दोहराना चाहते थे। और अब फिल्म एक विलन 2 से अर्जुन कपूर जुड़ने जा रहे हैं, जो पहली बार फिल्म में दिशा पटानी, जॉन अब्राहम और तारा सुतारिया के साथ काम करते नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन की जोड़ी मरजावा की हीरोइन तारा सुतारिया के साथ होगी। जी हाँ दोस्तों, वही तारा भी आजकल काफ़ी खुश है, जहाँ इस फिल्म में उनका एक अहम किरदार होगा। वही वो फिल्म के लिए गाना भी गाएंगी। साथ ही तारा की माने तो बॉलीवुड उनका दूसरा घर है, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा? दरअसल तारा की पहली ही फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 करण जौहर की प्रोडक्शन की थी। फिल्म में अनन्या पांडे से ज़्यादा तारा की तारीफ हुई। फिल्म के साथ ही तारा को करण के टॉक शो पर भी अहमियत मिली, जहाँ उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट्स की बात भी बताई। और ये देखकर काफ़ी लोगों ने तारा को भी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बताया। लेकिन बता दें, तारा सुतारिया का नेपोटिज्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले कई टैलेंट शोज में अपनी उपस्थिति दर्ज की। डिज्नी चैनल के शो ओएजसी से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। वे तारा एक प्रोफेशनल ओपेरा सिंगर भी हैं। उन्होंने अनु मलिक और फराह खान के टैलेंट शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा पर अपने सिंगिंग टैलेंट से सबको हैरान कर दिया था। वहीं रोमांटिक और थ्रिलर फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर मोहित सूरी एक विलन 2 के साथ और कौन सी फिल्मों के सीक्वल बनाने वाले हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें, मोहित जल्दी फिल्म आशिकी 3 बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, फिल्म को बनाने के लिए मोहित एक्साइटेड हैं। अपनी इस थ्रिलर फिल्म के बाद एक बार फिर वो रोमांस की तरफ रुख मोड़ेंगे। वहीं जो एक विलन 2 का हिस्सा नहीं बन पाए सिद्धार्थ, हो सकता है कि मोहित की इस रोमांटिक फिल्म में दिखाई दे। लेकिन उनके साथ फिल्म में इस बार कौन सी हीरोइन हो सकती है, श्रद्धा कपूर या फिर तारा सुतारिया? दोस्तों, बॉलीवुड में कई फिल्मों के सीक्वल की लाइन लगने वाली है, जिसमें जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2, सैफ अली खान की गो गो गॉन 2 और कार्तिक आर्यन की सुपरहिट फिल्म प्यार का पंचनामा 3 भी होगी। वहीं अभी तक फिल्म लव आजकल 2 सड़क 2 आ चुकी है और दोनों ही फिल्मों का रिस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस पर काफी ठंडा रहा। तो ऐसे में क्या सीक्वल फिल्में बनाना समझदारी होगी? जहां संजय दत्त के ठीक होने की राह उनकी फिल्म मुन्ना भाई 3 देख रहा है, वहीं कार्तिक आर्यन ने भूलभुलैया 2 के पोस्टर शेयर कर दिए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा इन सीक्वल फिल्मों की कोरोना की वजह से क्या हश्र होती है। दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म एक विलन 2 की दूसरी हीरोइन दिशा पटानी भी जल्द ही सलमान खान की फिल्म राधे से जुड़ने वाली हैं। सलमान खान के साथ दिशा आखिरी बार भारत फिल्म के सॉन्ग स्लो मोशन में दिखाई दी थी। दोस्तों, वहीं कोरोना काल में एक विलन ऐसे भी सामने आए जिनके बारे में लोगों के नजरिया ही बदल गया है। फिल्म में विलन के किरदार निभा चुके रियल लाइफ हीरो सोनू सूद की बात करें तो उन्हें कौन नहीं जानता। दबंग के छेदी सिंह से लेकर सिम्बा के दुर्वा रानडे के नेगेटिव किरदार में दिखाई दिए इस फरिश्ते को लोग आज अपना रोल मॉडल मानते हैं। इतना ही नहीं, 2017 में सोनू ने दिशा पाटनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय एक्टर जैकी चान के साथ फिल्म कुंग फू योगा में भी काम किया। वो देश के पहले एक्टर बने जिन्होंने अपनी फिटनेस की वजह से जैकी की इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, उन्होंने जैकी चान को भारत में कपिल के शो में आमंत्रित किया, जिसमें लोग जैकी
चैन के साथ रूबरू हुए। वहीं कोरोना काल में उन्होंने कितने ही लोगों की मदद की, उन्होंने बस, रेलवे और गाड़ियों की उपलब्धि कराई, खुद स्टेशन पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने मुंबई में खुद की पर्सनल हेल्पलाइन चलवाई। वहीं सोशल मीडिया पर जब भी किसी ने उनसे मदद मांगी, उन्होंने तुरंत ही मदद पहुँचाई। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है बॉलीवुड को सोनू सूद के ऊपर भी एक फिल्म बनानी चाहिए? क्या फिल्म एक विलन टू में बने विलन अर्जुन और जॉन के बीच होगी एक नई जंग? हमें अपने जवाब कमेंट करके ज़रूर भेजें। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने।